आज हम लोग प्रश्न संख्या 7 हल करेंगे। ऐसी 3 परिमेय संख्याएं जिनके लिखना है हमें, जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। बच्चों सबसे पहले हम लोग इसके पहले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े थे कि जो भी परिमेय संख्याएं होती हैं पी बटे क्यू का जब दशमलव प्रसार हम लोग करते हैं तो या तो शांत होता है या अशांत होता है, दो ही होता है, ठीक है, परिमेय संख्या का, ठीक है, शांत या अशांत होता है। किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो ही होगा, एक शांत होगा और दूसरा अशांत होगा। किसी भी परिमेय संख्या का शांत वो होता है जिसमें दशमलव के बाद संख्याओं का जो जितने भी नंबर होते हैं, ठीक है ना, उसका अंत हो जाता है, जितने भी डिजिट होते हैं उसका अंत हो जाता है, मतलब भाग की क्रिया संपूर्ण हो जाती है, अर्थात शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है। और एक स्थिति होता है कि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है, दशमलव के बाद कुछ अंक या कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो बार बार रिपीट करती हैं, बार बार दोहराती हैं। जैसे कि शांत के लिए एग्जाम्पल पर अगर देखा जाए तो 4.56, देखिए 5.6 यहाँ पर दशमलव प्रसार का अंत हो जा रहा है, ठीक है, या 3.0738 इतना आ गया, तो देखिए यहाँ पे भी दशमलव प्रसार का अंत हो रहा है। इसलिए इसको हम कहते थे कि इसका जो दशमलव प्रसार है किसी न किसी परिमेय संख्या का ये दशमलव प्रसार है, ठीक है, तो ये शांत दशमलव प्रसार है। अशांत में इस्तेमाल ये 3.5555 इस तरह से आ रहा है, डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब कि 5 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, यहाँ पर दशमलव प्रसार का अंत नहीं हो रहा है, ठीक है ना, और संख्या बार बार रिपीट कर रही है, इसलिए इसको हम कहेंगे अशांत आवर्ती बताया गया था आप लोगों को, आवर्ती, अशांत आवर्ती बताया गया था कि इसका जो दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती है, ठीक है, या अशांत पुनरावृत्ति है, ये भी बताया गया था, या इसको अनावसानी आवर्ती भी कह सकते हैं, अनावसानी आवर्ती भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब हमें ज्ञात करना है बच्चों कि अनावसानी अनावर्ती क्या है, ठीक है, अनावसानी आवर्ती, ध्यान दीजिएगा, अनावर्ती है, अनावर्ती इसका मतलब कि अनावसानी बच्चों आवर्ती हम इसको कहते हैं अशांत, ठीक है, आवर्ती, ठीक है, अशांत आवर्ती या अनावसानी आवर्ती, आवर्ती है, ठीक है, ये वाला। लेकिन अगर आपको ज्ञात करना हो अनावसानी अनावर्ती ये क्या होता है, इसको समझना है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये एक एग्जांपल देखिए, ऐसे ये सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है ना, इस मान लीजिए कि मैं लिख दूँ 3.01, फिर उसके बाद 001, 0001, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे एक जो यहाँ पे जो प्रोसेस है, जो श्रेणी है, एक 01001, 0001, इसका मतलब ये हुआ कि आगे आपका 401, 501, मतलब संख्या इसमें रिपीट नहीं कर रही है, ठीक है, जो भी आपके जो डिजिट हैं वो रिपीट नहीं कर रहे हैं, बल्कि और वो क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, मतलब उसका कोई अंत नहीं है, वो कहाँ तक उनका मतलब समाप्ति होगा। वैसे तो आपका अशांत आवर्ती में भी समाप्त अनंत पे होता है, ठीक है, वो अंत तक जाता है, ठीक है ना, लेकिन उसमें संख्या रिपीट करती है तो अशांत आवर्ती होता है, और जिसमें संख्या अंत, जिसका कोई अंत भी नहीं होता, ठीक है ना, ठीक है, अनंत तक हो जाता है, इसका जो दशमलव प्रसार अनंत होता है और उसके बाद वो संख्या रिपीट भी नहीं करती है, उसे हम कहते हैं अनावसानी अनावर्ती, ठीक है, या अशांत अनावसानी अनावर्ती उसको कहते हैं, ठीक है ना, तो इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें संख्या कोई भी इसमें अंक है जो 01 है या 001 है, 0001 है, उसके बाद 401 इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो पहला है, इसमें 3 पूछा था आपसे, 3 बताना था जिसका जो दशमलव प्रसार है अनावसानी अनावर्ती होना चाहिए, तो ये अनावसानी अनावर्ती, आवर्ती नहीं है। आवर्ती का मतलब होता है जो रिपीट करता हो, पुनरावृत्ति करता हो, जिसको बार बार दोहराया जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं इसमें का सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड के स्थान पर आप लिख सकते हैं 0.02002002 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब कि 402502 इस तरह से आगे जाएगा, ये भी रिपीट नहीं कर रहा है, इसका अंत भी नहीं है और अंक या इसकी जो संख्याएं हैं वो बार बार रिपीट भी नहीं कर रही हैं, इसलिए इसको हम अनावसानी अनावर्ती कहेंगे, ठीक है ना। और जो रिपीट करता है,
0.333 डॉट डॉट डॉट, ये रिपीट कर रहा है, ठीक है, इसको 0.3 बार लिखेंगे, ठीक है ना, तो इसको हम अशांत आवर्ती कहेंगे या अनवशानी आवर्ती उसको कह सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसको हम कहेंगे अनवशानी अनावर्ती, उसमें अन इसमें जुट जाएगा, अनावर्ती, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड नंबर, थर्ड इसका देखेंगे 0.03003, उसके बाद फिर 0003 डॉट डॉट डॉट, मतलब 403, 503 इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारा, वो तो 3 आपसे पूछा है ना, आप बहुत सारे निकाल सकते हैं, 0.04004 0004 इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनका जो दशमलव प्रसार होता है, अपरिमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार जो होता है बच्चों, अनवशानी अनावर्ती होता है, ठीक है ना, अनवशानी अनावर्ती होता है, क्योंकि उन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, उसका भी जो दशमलव प्रसार का अंत उसमें नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद हम प्रश्न संख्या इसमें 8 देखेंगे, हल करेंगे प्रश्न संख्या 8। और जो प्रश्न संख्या 8 है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है हमको, ठीक है ना। 5/7 और 9/11 के ठीक बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग 5/7 और 9/11 का दशमलव प्रसार लिखेंगे और उनके बीच की हम लोग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे 5 में, यहाँ पे 5/7 का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 को 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो डेसिमल बढ़ा के यहाँ पे 0 7 7 49, ठीक है, यहाँ पे 1 बचेगा बच्चों, 0 बढ़ा लेंगे, 7 एक कम जो है बच्चों 7, यहाँ पे 3 0 बढ़ जाएगा, 7 6 यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 28, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 बचा, 0 बढ़ा सकते हैं, और 7 दुना के 14, यहाँ पे 6 बच गया, ठीक है। उसके बाद फिर 0 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, और 7 8 यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 56, पुनः यहाँ पे 4, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 0 हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 7 5 35 हो गया, पुनः यहाँ पे 5 आ गया। इसका मतलब देखिए, यहाँ पे 5 था, पुनः 5 आ गया, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो है 0.714285 ये बार बार रिपीट करेगा, अर्थात इसके ऊपर हम लोग बार लगा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग 9/11 का दशमलव प्रसार लिखेंगे, तो 9 में आप 11 से भाग दें, दशमलव बढ़ा के 0, 11 8 88 हो जाएगा, यहाँ पे 2, 0 बढ़ा सकते हैं, 11 1 11, यहाँ पे 9, बच्चों देख सकते हैं पुनः 9 आ गया, पहले भी 9 था फिर पुनः 9 आ गया, ठीक है। इसका मतलब कि अब बार बार संख्या रिपीट करेगी, 0.818181 ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब कि 9/11 का जो दशमलव प्रसार होगा, 9/11 का जो दशमलव प्रसार है 0.8181... इसको आप चाहें तो 0.81 बार लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, आपको पता है कि जो परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 है इसके बीच में, ठीक है, अनंत परिमेय संख्या हो सकती है या अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये पता होगा, तो ये तो जो है ये शांत अशांत आवर्ती इसका दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती है, लेकिन जो अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि अनवशानी अनावर्ती होता है, अनवशानी अनावर्ती, चलिए ठीक है। तो इसके बीच में यदि देखा जाए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं, 3 अपरिमेय संख्याएं निम्नलिखित हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है, कि उसके बीच की जो अपरिमेय संख्याएं वो निम्नलिखित हैं,
कौन कौन है पहले ध्यान दीजिए आप लोग, निम्नलिखित है, पहला फर्स्ट नंबर पे देखें, देखिए यहाँ पे 0.714285 से अधिक होना चाहिए और 0.8181 से कम होना चाहिए, ठीक है। जब इससे अधिक होगा और इससे कम होगा तो ही इन दोनों के बीच में अपरिमेय संख्याएं ज्ञात हो पाएंगे, समझ रहे हैं ना। इसमें लीजिए कि ये आपका 10 है और यहाँ पे ये 20 है, तो इन दोनों के बीच की संख्या चाहिए, तो इसका मतलब कि आप क्या करेंगे, दिखाई नहीं दे रहा शायद आप लोगों को, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर देखें ये 10 है और ये 20 है, इसके बीच की अगर कोई भी संख्या आपको चाहिए तो 10 से अधिक चाहिए और 20 से कम चाहिए, ठीक है ना, अर्थात 11 12 13 ऐसे क्रस और भी इसमें है, ठीक है ना। वैसे ही अगर इन दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या चाहिए तो इससे अधिक होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर ये 71 है, 71 है तो मैं इसको यदि लिख दूँ 0.72 तो 71 से 72 आपका अधिक हो गया, ठीक है, लेकिन 81 से क्या है, कम है, है ना, 0.81 से कम है, अर्थात 720 72 00 72 000। इसका मतलब देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ये भी हो गया, ठीक है ना, 720 72 00 72 000 72 40 ऐसे बढ़ता जाएगा। ये अशांत, अनौशानी, अनावर्ती, इसका दशमलव प्रसार है, ठीक है ना, इसलिए यह जो है अपरिमेय, ठीक है। उसके बाद सेकंड इसमें देखेंगे, सेकंड अगर देखा जाए तो 0.73 तो 0.73 भी 0.714285 से अधिक है, यहाँ पे जो 7 है तो 7 है और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 है, इसका मतलब कि इससे ये अधिक हो चुका है, ठीक है ना, लेकिन इससे अभी क्या है, कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 730 कर लेंगे, 730 73 000 ऐसे, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे, थर्ड आपका हो जाएगा बच्चों 0.74 भी इससे अधिक है लेकिन इससे कम है। उसके बाद 0.74 00 74 000 ... ये तीन अपरिमेय संख्याएं हैं 5/7 और 9/11 के बीच की।